In recent times, you must have heard about the air pollution problem in our capital city, New Delhi. In the last 4 to 5 years, interestingly, एक list of plants काफ़ी famous हो गई है. इसको कहते हैं air purifying plants. पर क्या आपको पता है ये list आई कहाँ से? सब लोग इसको कहते हैं NASA's air purifying plant list. एक्चुअली हुआ क्या था, 1980s में एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर बिल वॉल्वर्टन. वो देख रहे थे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प कर सकती हैं ह्यूमंस को टू सस्टेन इन इनक्लोज्ड स्पेसेस. तो उन्होंने क्या करा, एक गैस चैम्बर बनाया जहाँ पर चैम्बर के अंदर बहुत सारी ऐसी गैसेस इंड्यूस करी जो ह्यूमंस को, ह्यूमंस की हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है. और उनको एक आइडिया आया कि वॉट इफ़ आई कीप ऑल दीज प्लांट्स जो मैं अपने आस पास देख रहा हूँ अपने घर पर, देखता हूँ क्या होता है. When he started keeping these plants, very simple plants like the snake plant here, like the money plant मेरे ऊपर, he realized कि ये सारे plants जो हैं कुछ ना कुछ ऐसा pollutant हवा में से निकाल सकते हैं जो human health को negatively affect करता है. और ये pollutants थे जैसे कि benzene, xylene, carbon monoxide, ये सारे वो chemicals हैं जो या तो हमारे furniture या फिर हमारे lubricants जो हम घर में use करते हैं या furnishing जो use करते हैं या जो vehicular emission है उससे आता है. But one thing I want you to note is that कि वो जो लिस्ट में प्लांट्स हैं वो काफ़ी फेमस हो गए कमर्शली, बट एक्चुअली आपके आसपास जो भी पौधे हैं वो कोई ना कोई पोल्यूटेंट निकालते हैं हवा में से, और कुछ नहीं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लो करता है. सो यू डोंट हैव टू फॉल ट्रैप टू दैट लिस्ट, यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ प्लांट. एंड आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिकली बिकॉज जब से ये लिस्ट फेमस हुई है, जैसे ये स्नेक प्लांट, ये बहुत एक्सपेंसिव हो गए. यू कैन एक्चुअली बाय एनी काइंड ऑफ हाउस प्लांट एंड कीप इट इन योर हाउस. For more such fun facts, you can check out my book, Garden Up. It has just been launched.